वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एक्सपायरेंट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और एग्रीकल्चर एग्जाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आज हम लोग दोस्तों वाटर रिक्वायरमेंट एंड क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। कितना सिंचाई का ज़रूरत रहता है पानी, है ना, क्रॉप्स को, उसके बारे में। पहला है दोस्तों राइस। इसमें लगभग 1500 से 2500 mm टिल्डरिंग और फ्लावरिंग क्रिटिकल स्टेज, मतलब 1500 से 2500 mm पानी का ज़रूरत पड़ेगा। और क्रिटिकल स्टेज है टिल्डरिंग एंड फ्लावरिंग, है ना, टिल्डरिंग के समय और फ्लावरिंग के समय ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है मेज। मेज में 400 से 600 mm पानी की ज़रूरत रहेगा। और टेस्लिंग और सिल्किंग इसका क्रिटिकल स्टेज है जिसमें पानी का ज़रूरत रहेगा। नेक्स्ट है सॉर्गम। इसमें 450 से 500 mm पानी लगेगा और क्रिटिकल स्टेज है फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा में 250 से 300 mm लगेगा पानी, है ना, और क्रिटिकल स्टेज है इसका ईयर हेड इमरजेंस। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन में 600 से 650 mm पानी लगेगा और इसका क्रिटिकल स्टेज है बिफोर फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट, फ्लावरिंग के पहले और जब पॉड बनता है उस समय। नेक्स्ट है पिजन पी। इसमें लगेगा 650 mm पानी और क्रिटिकल स्टेज है बिफोर फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट। मूंग के केस में है 250 से 300 mm पानी लगेगा और क्रिटिकल स्टेज है बिफोर फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कॉटन। इसमें 600 से 700 mm पानी लगेगा और इसका क्रिटिकल स्टेज है ब्रांचिंग के समय और बॉल फॉर्मेशन के समय में। नेक्स्ट है ग्राउंड नट। इसमें लगेगा 500 से 700 mm पानी और क्रिटिकल स्टेज है इसका बिफोर फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट। फिर है वीट। इसमें लगेगा 450 mm पानी और इसका जो क्रिटिकल स्टेज है मेन है CRI, है ना, ग्राउंड रूट इनिशिएशन बोलते हैं। फिर है टिलरिंग, लेट जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग एंड टफ, मतलब अगर पानी का सुविधा है तो ये सारे क्रिटिकल स्टेजेस हैं जिसमें पानी लगेगा। नेक्स्ट है शुगर केन। इसमें लगेगा 1500 से 2500 mm पानी और क्रिटिकल स्टेज है ग्रैंड ग्रोथ एंड मैच्योरिटी फेस। फिर आते हैं ग्राम। ग्राम में है 300 से 450 mm पानी, क्रिटिकल स्टेज है बिफोर फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट। फिर है पी। इसमें लगेगा 450 से 500 mm पानी, क्रिटिकल स्टेज है प्री फ्लावरिंग एंड ग्रैंड फिलिंग। फिर है लेंटिल। इसमें लगेगा 200 से 250 mm पानी, प्री फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन, ये इसका क्रिटिकल स्टेज है। नेक्स्ट है मस्टर्ड। इसमें लगेगा 350 से 400 mm पानी, इसका है ब्रांचिंग और सिलिकुआ फॉर्मेशन क्रिटिकल स्टेज। उर्द में लगेगा 300 से 350 mm पानी, है ना, और इसका क्रिटिकल स्टेज है प्री फ्लावरिंग एंड पॉड फिलिंग स्टेज। फिर है सीसेम। इसमें लगेगा 350 से 400 mm पानी और ये है फ्लावरिंग एंड कैप्सूल डेवलपमेंट, ये इसका क्रिटिकल स्टेज है जिसमें पानी का बहुत ज़रूरत रहता है। फिर नेक्स्ट है ओट। ओट में लगेगा 450 से 650 mm पानी, है ना, और इसका जो क्रिटिकल स्टेज है वो है टिलरिंग एंड फ्लावरिंग, ठीक है दोस्तों। और एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू।